गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और सुनाइए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नमकीन चावल की रेसिपी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने नमकीन चावल तैयार करते हैं, मिलते हैं आपसे किचन में। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। तो उसके लिए मैंने लिए हैं सोयाबीन, आलू, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। और मैंने सोयाबीन और आलू हल्के हल्के तल लिए थे। मैंने लिया 1.5 कटोरा चावल, 3 टमाटर लिए थे थोड़े मीडियम साइज़ के, और मीडियम साइज़ की ही 2 प्याज ली थी। तो चलिए हम अपने चावल छोंकने की तैयारी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना कुकर रख दिया गैस पे। तो पहले मैं इसमें डाल लेती हूँ जीरा। देखिए ये मैंने डाल दिया इसमें प्याज। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए हमारी प्याज हो चुकी है, और अब मैं इसमें डाल दूँ टमाटर। ये देखिए मैंने अब इसमें डाल दिया टमाटर, और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच हल्दी। और 2 चम्मच नमक, जैसे नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, जैसा हम नमक खाते हैं उसी हिसाब से हम नमक डालेंगे। और 1 चम्मच डाल दूँगी मैं इसमें पिसा हुआ धनिया। मैं बस सिर्फ यही मसाले डालूँगी, क्योंकि हम ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खाते, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी। ये देखिए, और हम अपने टमाटर को थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि हमारे टमाटर पक जाए। ये देखिए हमारे टमाटर पक चुके हैं, और हम इसको इसकी सहायता से हल्का हल्का मैश कर लेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर मैश हो गए हैं, और हम इसमें डालेंगे सोयाबीन। सोयाबीन को अच्छी तरह से जो ये हमारी ग्रेवी है उसमें मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें आलू। हम अपने आलू भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसमें। ये देखिए हमारी सोयाबीन और आलू मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, और हमें पानी लेना है, अगर हमने 1.5 कटोरा चावल लिए हैं तो हम इसमें डालेंगे 2 कटोरे पानी। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो चावल खिले खिले नहीं बनेंगे, तो इसलिए हमें 2 कटोरे ही पानी डालना है। देखिए, और जब तक हमारा पानी उबलेगा मैं अपने चावल वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए मैंने अपने चावल वॉश कर लिए हैं, और अब मैं चावल इसमें डाल दूँगी। देखिए हमारा पानी भी उबल चुका है। ये देखिए मैंने चावल डाल दिए हैं कुकर में, और अब मैं कुकर बंद कर दूँगी। ये देखिए मैंने कुकर में चावल डाल दिए हैं, अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल बन के तैयार हैं, और बिल्कुल अलग अलग हैं चावल। तो आइए आप भी खा लीजिए।